बड़वाह में राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी से हर नागरिक मिलना चाहता है। देश के कई प्रदेशों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। ये यात्रा खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा से होकर भी गुजरेगी। इसी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं सह प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं विधानसभा स्तर पर इसकी व्यवस्था भव्य स्तर पर हो, इस बात की जवाबदारी स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ताओं को दी। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सीपी अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनसे हर कोई मिलना चाहता है और वो भी दिल खुलकर उस व्यक्ति के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा से प्रेरित होकर उनके साथ चल रहे हैं। इस दौरान विधायक रवि जोशी, विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, केदार डावर, जय सिंह दरबार, राजनारायण सिंह पुरनी सहित अन्य नेताओं ने अपना उद्बोधन देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस यात्रा की तैयारियों में जुड़ने की अपील की। गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, क्या पदयात्रा का लक्ष्य और किस तरीके से उसका प्रदेश में स्वागत किया जाएगा? सरकार के द्वारा अराजकता फैलाई गई है, नफरत फैलाई गई है और किसी भी विषय पे सरकार रोजगार का हो, उसको रोकने का मामला हो, इंडस्ट्री बढ़ाने का मामला हो, या कोई सोशल वेलफेयर स्कीम हो या हेल्थ स्कीम हो, एजुकेशन स्कीम, 100% फेल है। किसी भी चीज़ में उनको कोई उन्होंने सफलता नहीं पाई, ना उनकी नियत है उसको काम करने। तो ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये सब उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जनता को आगाह करने के लिए और नफरत के खिलाफ सारा भारत एक हो जाए ताकि ये नफरत फैलाने वाले खत्म हो जाए, ये यात्रा का उद्देश्य। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यात्रा गुजरेगी, किस तरीके का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे? देखा, लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़ा मन है सबका, सब उस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और ऐसी इतनी बड़ी यात्रा आ रही है जो एक तपस्या और यज्ञ के बराबर है, तो कौन उससे अलग रहना चाहे। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।